हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम सिंगल, आप देख रहे हैं का लवर गौतम। तो भाई आपके सामने खड़ी है फोनेक्स, तो भाई आप अभी इसका एंजॉय करो, इसका वॉक राउंड। तो भाई ऐसे कुछ दिखते हैं इसके फ्रंट के लुक, काफ़ी अच्छे लगते देखने में ना, मस्त लगते देखने में। और वही यहाँ पे आपको पियानो फिनिश मिलती है जो कि गाड़ी के लुक एनहांस करती है। 360 कैमरा आपको देखने का मिलता है नीचे की साइड, इसके अंदर आपको 3 एरो वाली DRL मिलेगी। और नीचे की साइड आपको बात करें हेडलैम्प की, तो आपको ट्रायो हेडलैम्प मिलती है जो कि क्रेटा वगैरह में आजकल फेमस हुई पड़ी है भाई। और नीचे आपको वही एयर कर्टेन वगैरह देखने को मिलते हैं, उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको भाई काफ़ी ठीक मिलता है देखने में ना, आगे से तो भाई मस्त लगते हैं देखने में। अब साइड की प्रोफाइल की बात करें तो आपको ऐसे कुछ दिखते हैं इसकी साइड प्रोफाइल, सही है भाई, लंबाई वगैरह ना। और भाई टायर साइज की बात करते हैं, आपको मिलता है 195/60/16 का टायर साइज मिलेगा। और ऐसे कुछ आपको लोग मिलते हैं जो कि डायमंड कट मिलते हैं, उसके ना काफ़ी अच्छे लुक देते हैं भाई, देख रहे हो अलग ही लुक दे रखी है। और गुडियर का टायर मिलता है इसके अंदर, और भाई जो इसके वो आते हैं ना, ये आपको मिलती है ब्लैक में, तो ये आपको ब्लैक ब्लैक में देखने को मिलती है। इस साइड आपको मिलता है 360 का, मैं दिखा देता हूँ आपको। और आपको बॉडी कलर ये मिलता है इसके इंडिकेटर वो ब्लू में, और यहाँ पे आपको मिलता है टर्न इंडिकेटर LED में। और भाई आप आपको कलर सेंसर बटन देखने को मिलता है भाई, ये सिर्फ बॉडी कलर ही मिलता है, क्रोम में आपको देखने को नहीं मिलता इसके अंदर। अब खोलने से पहले दिखाते हैं, डोर भी आपको मिलता है क्रोम फिनिश, आप दे सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो भाई ऐसे कोई दिखता है आपको इंटीरियर इसका, वही क्रोम में मिलता है आपका डोर हैंडल। और इस साइड आपको पियानो में आपको मिलता है यहाँ पे भाई 4 पावर विंडो मिलती है, क्योंकि आपको मिलती है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिलती है। और वही आपको ऑटो फोल्ड का स्विच मिलता है, जिससे टॉप मोटर आपको मिलता है, जैसे कि वो लैदर फिनिश में आपको मिलता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यूज़ की गई है। यहाँ पे भी आपको लैदर फिनिश मिलती है। और नीचे आपको मिलता है स्पीकर, 4 डोर आपको स्पीकर मिलेंगे। और इस साइड वही मतलब भाई थोड़ा ना जैसे ब्रीनो वाला हुआ था ना डोर ट्रिप, वैसे ही देखने को मिलता है, वो थोड़ी बहुत यार चेंजेस वगैरह करी गई है इसके अंदर। यहाँ पे आपको मिलते हैं सिल्वर फिनिश में, जो कि गाड़ी के लुक को एनहांस करता है। और भाई अब दिखाते हैं अंदर इंटीरियर, तो भाई ऐसा कुछ लगता है इसका इंटीरियर भाई, इसका ना स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे बलिनो का बिल्कुल सेम है भाई बिल्कुल। और यहाँ पे आपको पियानो फिनिश मिलती है, और जैसे कि बलिनो है ना, बलिनो आपको भी मिलता है ग्रे। और भाई मतलब हैंडल ना मज़ा आता है देखने में ना, एक स्पोर्टी लुक दे रहा है भाई, जैसे कि देख सकते हैं भाई शिफ्ट पैडल भी आपको देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक वेरियंट है भाई, तो भाई शिफ्ट पैडल तो आपको देखने को मिलते हैं भाई। और भाई इंडिकेशन भी दिखाते हैं, जैसे कि भाई बूट खोला हुआ है इसका तो इंडिकेशन दिखा देगा, जैसे बोनट खोला हुआ था वो भी दिखा देगा। और मैं इसका HUD दिखाता हूँ भाई आपको मैं, तो भाई अभी की यहाँ पे है नहीं तो उसको दिखा नहीं रहा है, पी पता नहीं कहाँ पे है, कोई नहीं, वही आपको HUD मिलता है जैसे कि बलिनो में आपको देखने को मिलता है। और साइड आपको मिलता है ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि भाई वही सेम मारुति की गाड़ी में ना सब सेम ही मिलते हैं भाई, चुटपुट चेंज कर देंगे। और जो भाई इसकी लुक है ना अंदर इंटीरियर भी भाई बलिनो से इंस्पायर है थोड़ी बहुत, मतलब यार ज़्यादा बहुत चेंजेस करते नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं। और भाई ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड मिलता है, और जैसे कि भाई AC1 देख रहे हो भाई, वही बिल्कुल बलिनो वाला, और AC बिल्कुल ये जो पार्ट है ना पूरा आपको वही बलिनो वाला देखने को मिलता है सेम टू सेम। और भाई आपको बेस मॉडल से भाई शायद मेरे हिसाब से तो भाई कह रहे हैं कंपनी वाले कि ऑटोमेटिक बेस मतलब आपको AC मिलेगा ही, जैसे बलिनो में दिया गया है वैसे ही आपको भाई, पता नहीं देखते जब आएगी जबकि जब पता चलेगी क्या इसका राज है क्या नहीं है। इस साइड आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है, और इस साइड आपको मिलता है USB पोर्ट, और वही आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है। इस साइड कप होल्डर वही भाई नॉर्मल चीज़ है बेसिक सी, और यहाँ पर आपको मिलता है आर्मरेस्ट, जो कि भाई वही डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है हैंड ब्रेक। और भाई और जैसे कि पता ही ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो भाई आपको वही गेनोप ऐसे देखने को मिलता है, यहाँ पे पुश करके दिखा दूँ मैं, पुश करके आपको भी बैक पीछे कर सकते हैं। और भाई डैशबोर्ड ना मुझे बढ़िया लग रहा है देखने में ना, मतलब बलिनो से तो बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पे सिल्वर फिनिश देखने को मिलता है, इस साइड आपको मिलती है थोड़ी सी गोल्डन लुक, जो कि गाड़ी को लुक एनहांस कर रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये ग्लव बॉक्स, मतलब भाई मतलब सेम टू सेम है गाड़ी, बस थोड़ी बहुत डिजाइन फ्लक कर देते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। MID कुछ आपको ऐसी दिखती है इसकी, लेफ्ट साइड आपको मिलता है RPM मीटर, राइट साइड आपको मिलता है स्पीडोमीटर, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग के साथ मिलता है आपको। और भाई HUD के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिस मिली हुई, यहाँ पे 360 कैमरा, तो 360 कैमरा का व्यू अगर दिखा देंगे। और ये वही ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस साइड आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। और भाई आपको जैसे कि भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको पैडल शिफ्ट में यहाँ पर क्लच मिलती नहीं है, वही आपको मिलता है ब्रेक एंड रेस आपको वही मिलते हैं, और टच पैडल भी आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर।
और भाई इसके स्टेयरिंग की बात करें तो आपको मिलता है टिल्ट, मिलता है टेलीस्कोपिक भी देखने को मिलता है, जो कि कई सही है फीचर मारुति की गाड़ी में। और भाई बलिनो में सनरूफ भी दे देना, मजा आ जाएगा, जैसे i20 में दे दी ना सनरूफ, पर यूज तो नहीं है, पर वही वाली बात है ना, सनरूफ वाली गाड़ी एक मजा आता है कि सनरूफ है गाड़ी में। और साइड आपको मिलता है IRVM जो कि ऑटोमेटिक में ही आपको देखने को मिलता है इस साइड। और ऊपर आपको मिलता है इसका कैबिन लाइट हैलोजन में आपको देखने को मिलता है, विद इसमें माइक फिटिंग आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। और इस साइड आपको मिलता है वैनिटी मिरर पे लाइट मिलती है विद मिरर के साथ, और इस साइड भी आपको लाइट मिलती है विद मिरर, पीछे भी आपको कैबिन साइड लाइट मिलती है इसमें हैलोजन। भाई बताया है, मारुति वालों में कमी का लगती है मुझे इसमें, भाई हैलोजन तो दे देंगे, मतलब लाइट दे देंगे, पर वो नहीं देंगे LED। अगर LED दे देंगे तो कितना बजट आएगा, 1000 रुपये की बढ़ा दोगे तो भाई LED सेटअप में भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, हैलोजन दे देंगे यार पता नहीं क्या, मतलब मैंने अपनी बलिनो ले रखी है भाई, उसमें मैंने बाहर से लगवा दी, कितने खर्चा आया मेरा 200 रुपये का, अगर ये लगा के दे देंगे कंपनी फिट क्या दिक्कत है भाई। एल्ट्रोस देख लो, एल्ट्रोस में आपको मिलता है LED सेटअप मिलता है, मतलब और गाड़ी देख लो उसमें मतलब आपको मिल जाएगा, पर पता नहीं यार लगा के क्यों नहीं देते भाई, जैसे भी सोचा भाई हम क्या कर सकते हैं भाई। अब चलते हैं भाई इसकी पैक प्रोफाइल की तरफ, तो भाई आपको सीट दिखा दूँ, भाई सीट आपको वही फैब्रिक देखने को मिलती है, जो कि भाई क्वालिटी भी ठीक यूज़ की गई है इसके अंदर। और भाई इस साइड आपको मिलता है हाइट एडजस्ट मिलता है, और इस साइड आपको मिलता है रिक्लाइन का। मैं चलता हूँ उसके बैक वाली सीट के तरफ, तो भाई डोर ट्रिम की बात करें तो आपको वही डोर ट्रिम देखने को मिलता है सेम, मतलब यहाँ पे पियानो फिनिश दे देंगे, इस साइड आपको दे देंगे लेदर फिनिश और वही क्रोम हैंडल। मतलब यार गाड़ी में ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वही सेम थोड़ा बहुत बलिनो है जितना दे रखा है सारा, मतलब फीचर देख रहे हो भाई, देख रहे हो डैशबोर्ड बिल्कुल ऐसा लग रहा है पीछे से बलिनो की तरह, बस थोड़ा बहुत ऐसे पार्ट चेंज कर दिया, बाकी तो भाई बिल्कुल बलिनो की कॉपी निकाल रखी है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, मैं पूरा दिखा दूँ आपको भाई, और इस साइड आपको पेंट मिलता है जो कि छोटे से लगता है बच्चे की तरह, और से आपको मिलता है USB पोर्ट मिलता है, इस साइड आपको मिलता है टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। भाई सीट ना ठीक है, कंफर्टेबल ना, मतलब फैब्रिक है तो भाई भी पता नहीं चला, मतलब यार टॉप मॉडल में ना लेदर नहीं दे रखी इन्होंने, गलत बात मुझे लगी, फैब्रिक ही दे रखी है। कॉस्ट कटिंग तो भाई इतनी कर रखी है भाई, प्राइसिंग भी देखते कितनी बैठती, प्राइसिंग कितनी नहीं बैठती, और बीच भाई आप ही बताओ आर्म रेस्ट में नहीं दे रखा यार, कितनी कोस कटिंग कर रखी है, हेडरेस्ट आपको 3 दे दिया एडजस्टेबल, पर भाई आर्म रेस्ट नहीं दे रखे, स्पेस भी भाई ठीक है यार, मतलब 3 जने के हिसाब से तो भाई मुझे लग रही है भाई क्या बोलूँ मैं, ठीक है यार, इतनी कोई बड़ी तारीफ नहीं करूँगा गाड़ी की, भाई हाँ गाड़ी बढ़िया है, मतलब स्पेस भाई देखो सच बताऊँ बलिनो में भाई मैं गया था बलिनो वृंदावन लेके गया था भाई, कंफर्टेबल है तो दिखा रहे कितनी कंफर्टेबल है, पर भाई मेरी कमर बोलेगा क्यों, उसकी जो रिक्लाइन दे रखी है ना सीट वो ज़्यादा रिक्लाइन दे रखी है, तो भाई मुझे कंफर्टेबल तो लगी नहीं बलिनो, और बाकी भाई मुझे बाहर आफ्टर मार्केट सीट कवर लगवाऊंगा तो जाके मुझे अपनी थोड़ी अपने बैलेंस करवानी पड़ेगी गाड़ी के लिए। तो भाई अब चलते रहिए कि प्रोफाइल की तरफ, दिखाते हैं इसकी कैसी दिखती है, तो भाई अब दिखाते हैं इसकी बैक प्रोफाइल, भाई काफ़ी अच्छी लगती है देखने में ना, जो उसकी DRL है भाई देख रहे हो 3 DRL मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और यहाँ पे सीधी दे रखी है एक पट्टी से जो कि गाड़ी के लुक को एनहांस करती है भाई, जैसे किया सोनेट में भी आप देख रहे हो, मतलब आजकल ये ट्रेंड हो गया, वैन में भी आ गया भैया वाला, और इधर आपको पीछे रियर में कैमरा मिलता है देखने को, और ऊपर आपको मिलता है वाइपर, ऊपर भी डिफोगर मिलता है, और इस साइड आपको मिलता है स्पॉइलर विद इंटीग्रेटेड लाइट के साथ मिलता है बैक लाइट, ऊपर आपको मिलता है शार्क एंटीना। अब दिखाते हैं इसका बूट खोल के, तो भाई ऐसा कुछ दिखता है इसका बूट स्पेस, क्योंकि काफ़ी भाई बड़ा बड़ा लगता है ना देखने में, और इस साइड आपको टायर साइज मिलता है, टायर साइज भी आपको भाई टायर साइज आपको मिलता है इसमें 190/960/R16 का टायर मिलेगा 18 का, और बूट स्पेस आपको फिनिश हो गया और होगा देख सकते हैं, और इस साइड आपको मिलता है बूट लैम्प जो कि आपको एडजस्ट में देखने को मिलेगी, और भाई आपको 60/40 आपको स्प्लिट नो मिलती है सीट जो कि नॉर्मल भाई हर गाड़ी में आपको देखने को मिलती है, और पार्सल के बैक रूम को दिखाते हैं सेकंड, भाई पार्सल ट्रे की जो क्वालिटी है ना काफ़ी हल्की यूज़ मुझे लगती है भाई, जैसे मारुति वाले के हिसाब से, मतलब इससे बढ़िया तो भाई बलिनो की है, पर इसकी थोड़ी बहुत हल्की क्वालिटी लगती है मुझे। अब कर देता है भाई बूट को बंद, पीछे से भाई देखने में ना मस्त लगती है, वो नीचे आपको मिलता है ये डिफ्यूज़र जो कि ब्लैक एंड आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगा जो कि गाड़ी के लुक को एनहांस करता है, और इस साइड आपको मिलता है रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, और उस साइड मिले आपको फोर पार्किंग सेंसर एक सेट दो सेट, बाकी आपको सेट देखने को मिलते हैं, मतलब पीछे से ना भाई मस्त लगती है देखने में, और जो उसकी डायमेंशन वगैरह है ना थोड़ी बलिनो के आसपास ही है। अगर भाई डायमेंशन की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 3995mm का आपको लेंथ मिलता है, 1765mm का आपको विड्थ मिलती है, 1550mm की आपको हाइट मिलती है, जैसे भाई देख लो ब्रांड बता रहा का साइज़ और इसका साइज़, मतलब भाई बलिनो
और ग्रैंड विटारा के बीच की रहेगी मिट्टी, मतलब ना बलिनो का बाबा की रहेगी ना ग्रैंड विटारा उसके बीच में रहेगी। तो भाई शोरूम अगर आपको भाई जाना हो तो भाई येरा ये आपको सेक्टर 63 नोएडा में बर्तन नेक्सा विपुल मोटर्स, तो वही यहाँ पे आप आके परचेज कर सकते हैं। गाड़ी बुकिंग वगैरह भी चालू है इसकी, आप बुक कर सकते हैं। एस्टिमेट प्राइस भाई 8.5 लाख के आसपास रहेगा, ये नहीं कि भाई ज़्यादा रहेगा, मतलब बलिनो से थोड़ा अप रहेगा भाई प्राइस ना, मतलब भाई सही है गाड़ी। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई बड़ी लगी मुझे गाड़ी इतनी भी, तो भाई मतलब गाड़ी तो भाई सही है भाई। मैंने भी अभी बलिनो ली थी, अगर मुझे पता होता ना फ्रोनेक्स जल्दी आने वाली, तो मैं फ्रोनेक्स ही लेता बलिनो को छोड़ के। मतलब भाई एक फ्रोनेक्स ना गाड़ी मस्त लग रही है देखने में ना, बलिनो भाई वही बलिनो बलिनो गाने लुक तो उसकी अच्छी लगती है बलिनो की भाई, पर आली यार मस्त है यार ये भी गाड़ी ना। तो भाई ये तो वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और सब्सक्राइब करके भाई जरूर जाना, और गाड़ी बताना कमेंट में आपको कैसे लगी। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।